फेस से आपकी नेक है जो मैच नहीं करती है, बिल्कुल फेस अलग दिखाई देता है और नेक बहुत अलग दिखाई देती है। नेक का प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग थायराइड की वजह से लोगों की नेक काली या ज्यादा गंदी दिखाई देती है, कुछ लोगों का ब्लैकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है सनटैन की वजह से या केयर ना हो पाने की वजह से, कुछ लोगों का मोटापा इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से भी नेक ब्लैक दिखाई देती है। और नेक साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फेस पे तो ध्यान दिया जाता है पर नेक पे उतना ध्यान नहीं जाता। तो आप तो क्या कर सकते हो जो कि सरल तरीका हो और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन इसे भी दबा दो। इसे दबाना इसलिए जरूरी है ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जो कम चीजों में अच्छा रिजल्ट देती है देखने को मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्शन स्पे। तो आज ऐसा मैं क्या प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ, मैं ले रही हूँ ये रॉमी। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ये मॉइस्चराइजर का काम कर देता है, क्लिंजिंग का काम कर देता है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटा देता है, आपकी स्किन में ग्लो ले आता है, स्किन टोनर का काम भी कर देता है, आपके फेस को जो आपकी स्किन जो अनयूजुअल सी दिखाई देती है उसको भी मेंटेन करता है। तो मुझे लगता है कि रॉ मिल्क सबसे बेस्ट है। अगर आप कुछ और यूज नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट सिर्फ रॉ मिल्क को आप अपने नेक पे किसी ब्रश की हेल्प से लगाओ, उसमें हल्का सा रब करो और उसे थोड़ी देर के लिए वहीं लगा छोड़ दो और 10-5 मिनट बाद आप किसी हैंकी से या किसी कपड़े से उसको वॉश कर लो। आप शावर लेने से पहले कर रहे हो तो बाद में शावर ले लो। अगर आप रूटीन काफी टाइम तक अपनाओगे, मतलब मुझे लगता है नेक जितनी ब्लैक दिखाई दे रही उस हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा 2-4 दिन। अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो एक दिन में ही बिल्कुल क्लीन दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी नेक और ज्यादा गंदी है तो मैंने लिया है ये ऑरेंज का पल्प। इस तरह से इसको स्टेन कर लूंगी और मैं इसका सिर्फ पल्प लेने वाली हूँ और मैं उस पल्प को रॉ मिल्क में अच्छे से मिलाऊंगी। एक चम्मच मैंने इसमें ऑरेंज का पल्प लिया है और इसके सारे बीज वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। तो इसको मिलाने में आपका फायदा क्या होगा, ये सीबम को कम करता है, ये जो आपकी स्किन अनटोन हो जाती है मतलब अनयूजुअल सी दिखाई देती है, पैचेस दिखाई देते हैं उसको खत्म करता है, ये स्किन में अच्छी ब्राइटनेस भी लाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, स्क्रब की जगह पे आपको ऑरेंज का पल्प मिलाना है। अब इसमें थर्ड चीज जो मैं लेने वाली हूँ जिससे कि आपकी स्किन क्लीन होने के साथ साथ ब्राइट भी दिखाई दे, ग्लोइंग भी दिखाई दे, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये, मैं 4-5 ड्रॉप्स इसकी हनी की ले लेती हूँ। ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और स्किन को टाइट भी करेगा, एक अच्छा ग्लो भी लाएगा। ये एंटीबायोटिक एंटी फंगल भी होता है जो आपकी स्किन में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर करने के बाद ये तीनों चीजें मिलके एक अच्छा पेस्ट बन जाएंगी। और आप जब भी इसको 2-4 दिन लगाओगे, आपकी कितनी भी काली से काली गर्दन हो, नेक आपकी कितनी भी काली से काली हो, ये गर्दन एकदम आपकी साफ हो जाएगी, एकदम इवन टोन हो जाएगी और आप खुद देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे करना बहुत आसान, बालों को पीछे कर लेती हूँ। आपको किस तरह से लगाना है, आप कॉटन या ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे तीनों चीजों को और आप इस तरह से सारे में लगा लोगे और इस तरह से आपको रब करना है, पूरे नेक पे अच्छे से रब करना है। और रब करने के बाद आपको इसको सूखने के लिए कम से कम 10 मिनट छोड़ना है। अगर जब ये सूखेगा नहीं तो आपकी टैन है वो अच्छे से निकलेगी नहीं। आप चाहो तो इस तरह से हाथ में लेके भी इसको रब कर सकते हो दोनों साइड से इस तरह से। कितनी भी ब्लैक से ब्लैक स्किन होगी, ब्लैक से ब्लैक आपकी नेक होगी, एकदम साफ हो जाएगी। और ये नेक साफ करना आपके लिए जो टेंशन वाला काम होता है, हेडक वाला काम होता है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आप सूखने के बाद क्या करेंगे, 10 मिनट बाद किसी टॉवल से या कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। और ये प्रोसेस अगर आप 4-5 दिन तक करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। इस तरह से देखो कितना क्लीन दिखाई दे रहा है आपको, और मैंने 1 मिनट लगा के बताया है। अगर आप इस प्रोसेस को ठीक से करेंगे तो 100% की नेक काफी साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये सरल सा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।